आपके सामने डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी जी को शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। यूपी पुलिस में डीएसपी प्रियंका वाजपेयी खूबसूरती के मामले में किसी मॉडल से कम नहीं है। हालांकि उनकी फिजिकल ब्यूटी देखना पूरी तरह सही नहीं है, उनके साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिसर्स बायोग्राफी में। आज के वीडियो में जानते हैं डीएसपी प्रियंका वाजपेयी की बायोग्राफी। दोस्तों, आईएएस आईपीएस बनने का सपना लिए न जाने कितने अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी में जुटे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस और पीसीएस टॉपर की सक्सेस स्टोरी काफी प्रेरित करती है। दोस्तों, लखनऊ की रहने वाली प्रियंका वाजपेयी पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल रही हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर किया, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। इसके बाद उन्होंने पीएचडी भी किया। दोस्तों, प्रियंका वाजपेयी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी करते समय सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। साल 2017 में वो छठी रैंक के साथ डीएसपी बनी। हालांकि इससे पहले उनका सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर पद पर भी हो चुका था। उन्होंने 2017 में अपने तीसरे प्रयास में यूपीपीएससी क्रैक किया तो एक्साइज इंस्पेक्टर पद पर वो जॉब कर रही थी। प्रियंका वाजपेयी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। इस प्लेटफॉर्म पर उनके हजारों फॉलोवर है। हालांकि प्रियंका एक इंटरव्यू में भी बताती हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम के दौरान करीब 2 साल तक वो सोशल मीडिया से दूर रही। दूसरी ओर प्रियंका यह भी मानती है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वालों को वो टिप्स देते हुए कहती हैं कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये समय को बर्बाद करता है। प्रियंका सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले को एक बैकअप प्लान भी रखने की सलाह देती है। उन्होंने खुद सिलेक्शन न होने पर बैकअप प्लान के तौर पर पीएचडी करके प्रोफेसर बनने को सोचा था। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका वाजपेयी पीसीएस 2017 की टॉपर रही हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ऑफिसर्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑफिसर्स बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।